हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ए टू जेड पाठशाला पर। दोस्तों, हम निकल आए हैं एक और सफ़र पे और आज मैं आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन कराऊंगा। और ये भी चित्रकूट में ही है, इसे पीछे में भी आपको मैं चित्रकूट का धाम और दर्शन वगैरह करा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है घूमने के लिए और क्या नहीं है। तो अभी हम लोग गुप्त गोदावरी पे आ गए हैं और पीछे ऑटो स्टैंड है, वहाँ से हम लोग फिर पैदल जा रहे हैं और आगे गुफा वगैरह है जहाँ से गुप्त गोदावरी है, नदी है जो निकली हुई है। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते रहे इस सफ़र को। और अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसा सफ़र अपने साथ आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करके हम लोग पैदल ही आगे निकल चुके हैं और आप देख रहे होंगे दोनों तरफ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और काफ़ी भव्य जगह है चित्रकूट का, सबसे पावन धार्मिक स्थलों में से एक गुप्त गोदावरी। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आइए घूमने के लिए। और काफ़ी भव्य गुफा, ऐसा गुफा शायद आपने पहले कभी देखा होगा, तो कुछ ऐसा है। तो हम लोग आगे निकल आए हैं पैदल पैदल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो टिकट बुकिंग कार्यालय है और इसके नीचे इधर आपको शूज वगैरह, अपने जूते चप्पल वगैरह आपको रखने की जगह की व्यवस्था की गई है, जहाँ आप अपने जूते चप्पल वगैरह रख कर फिर आगे जाकर आप टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं। और टिकट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये का मात्र टिकट है। तो हम लोग आ गए हैं अब टिकट लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो टिकट काउंटर है और यहाँ से आप आराम से टिकट ले सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते रहिए सफ़र को, हम लोग टिकट वगैरह लेके आगे निकलते हैं और फिर मैं आगे आपको दिखलाता हूँ कि और आगे क्या क्या है। तो दोस्तों, हम लोग टिकट वगैरह लेके आगे आ गए हैं और आगे जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों से होते हुए गुफा में जाना है। और सीढ़ियों पे आप लाइन वगैरह देख रहे होंगे क्योंकि जो गुफा है वो काफ़ी सकरा है और इन सीढ़ियों पे मंकी वगैरह भी हैं। तो आप अगर हाथ में प्रसाद वगैरह लिए हैं थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये मंकी वगैरह अक्सर हाथ में से छीन के भाग जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गुफा के पास और मैं आपको अंदर दिखलाता हूँ कि कैसा है। तो आप देख पा रहेंगे कि अब हम लोग गुफा के एकदम पास में आ गए हैं और एक एक करके आदमी घुस रहा है अंदर, जो मेन है जो गुफा का द्वार, और काफ़ी सकरा है और आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और अंदर क्या है। तो ऐसे जाना है और आराम से, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आराम से अंदर जाइएगा क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अंदर जो है वो प्रशासन की तरफ से लाइट वगैरह और हवा वगैरह की व्यवस्था कराई गई है और जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा लाइट वगैरह जगह जगह बढ़ रहे हैं। और जो गुफा है अब आपको ऐसा कुछ अंदर से दिखाई देगा जो काफ़ी भव्य गुफा हमको तो सामने से देखने को मिला, शायद आपको कैमरे पे उतना अच्छे से ना दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर आप आए तो इस गुफा को ज़रूर घूमें और काफ़ी भव्य गुफा आपको अंदर से दिखाई देगा। तो चलिए एंजॉय करते रहिए इस सफ़र को, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको और भी आगे दिखाऊंगा कि और क्या क्या है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा गुफा घूम लिया है और अब बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद आपको फिर से एक दूसरी गुफा में जाना है। और चूंकि इस गुफा में पानी है इसलिए मैं कैमरा वगैरह इसके अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। तो जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि द्वितीय गुफा,
तो इसके अंदर कैमरा वगैरह नहीं ले जाना है क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है, और जो अभी आपने गुफा देखा वो सूखा गुफा था, और उसके अंदर आराम से आप घूम सकते हैं। और इसके अंदर भी आप जाइएगा क्योंकि इस पानी वाले गुफा में ही आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन होंगे, और इसी गुफा के अंदर से जो गोदावरी नदी है वो निकली हुई है, और ये कुछ साधु महात्मा लोग हैं जो सामने हैं, और इसके अंदर से आपको एक एक करके जाना है। तो चलिए एंजॉय करते रहिए इस सफ़र को, और मैं भी अंदर जाके देखता हूँ और घूमता हूँ, और फिर मैं आपको आगे आपको और लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि कैसा है कुछ। तो चलिए एंजॉय करते रहिए सफ़र को, और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहें।